जय श्री राम भक्तों, आपका कोई भी कार्य नहीं बनता। आप जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, तो एक बार आप काम करने से पहले ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए, निश्चित आपका काम बनेगा। भक्तों, इंसान गलती क्या करता है कि चाहे वो छोटा काम करता है चाहे बड़ा काम करता है, सबसे पहले वो ये सोचता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ। अगर सफल हो जाता है तो अपने आप को बड़ाई करने लगता है, अपनी तारीफ करने लगता है कि ये काम मैंने किया है। दूसरों से तारीफ सुन के उसे बहुत खुशी होती है। तो कई बार तो हमारे कार्य बन जाते, कई बार नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हमें मैं आ जाती है उस कार्य में, और जहां मैं आ जाएगी वो काम बन नहीं सकता। तो जब भी आप कोई भी काम करें, चाहे कोई छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, चाहे कोई असंभव काम है, कैसा भी काम हो, हर काम करने से पहले आपको ये मन में सोचना है, यानी कि बोलना है कि ये काम मैं नहीं कर रहा, मेरे प्रभु कर रहे हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो। तो जैसे ही आप मन में ये भाव लेके आएंगे तो ये डेफिनेटली है कि आपका वो काम बनेगा, क्योंकि आपकी मैं ख़त्म हो गई है और आपने वो काम एक तरह से भगवान के ऊपर अर्पण कर दिया है। जब भगवान पे वो अर्पण हो गया और वो भगवान को उसका श्रेय मिल रहा है, तो निश्चित ही वो कार्य होगा, क्योंकि करने कराने वाला तो स्वयं भगवान है। सब कुछ वही कर रहा है और वही करवा रहा है अपने आप ही। हम तो उसके हाथों की कठपुतली हैं, तो हमें इस मैं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना है और हर काम करने से पहले यही सोचना है कि ये काम मैं नहीं कर रहा, भगवान कर रहे हैं, तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और इतना बोलना आपने शुरू कर दिया, उसके बाद भी आपका वो कार्य नहीं बना, तो ये 110% सही है कि वो कार्य आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए वो कार्य आपका बना नहीं, क्योंकि अगर वो कार्य बन जाता तो अब फ्यूचर में हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़ता। तो भगवान ने आपको बचा लिया, भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। इतना बोलने के बाद अगर नहीं बना तो आप निश्चिंत रहें और हर काम करने से पहले भगवान को बोल दें, भगवान ये कार्य कर रहे हैं, ये कार्य उसके ऊपर अर्पण है, तो आपका 100% नहीं 110% वो कार्य निश्चित ही बनेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।